नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्राबित चौधरी, खबरों में आज लेकर। खबरों में आज खास है जेल विभाग में जो उथल पुथल हुई है, जो कार्रवाइयों की बात सामने आ रही है। जेलों की सुरक्षा को लेकर जारी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। और 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच पंजाब में सभी जेलों की चेकिंग की गई और इस दौरान पंजाब की जेलों से 183 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके अलावा NDPS एक्ट के तहत 25 मामले दर्ज किए गए। जेल विभाग के सूत्रों के मुताबिक ड्यूटी में कोताही बरतने वाले 7 जेल कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। नाभा जेल ब्रेक मामले के बाद जी मीडिया लगातार सुरक्षा को लेकर एक मुहिम चला रहा है और अब इसका बड़ा असर देखने को मिला है। जेल की सुरक्षा को लेकर जेल विभाग मुस्तैद हो गया है। विभाग ने 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच पंजाब की तमाम जेलों में चेकिंग करवाई। इस चेकिंग के दौरान जेलों में 183 मोबाइल, 29 सिम कार्ड्स और कई पाबंदी शुदा सामान रिकवर किए गए और NDPS एक्ट के तहत मामले भी दर्ज किए गए। जेल विभाग की तरफ से विशेष चेकिंग की गई और विशेष चेकिंग दौरान जेल विभाग को 183 मोबाइल, 29 सिम और काफ़ी कुछ ऐसा सामान मिला जो शायद पहले जेल विभाग की तरफ से कुछ उनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया गया था। जेल विभाग ने अच्छा काम करने वाले अफसरों को जहां सम्मानित किया, तो वहीं ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गाज गिरी। विभाग ने ड्यूटी पर कोताही बरतने वाले 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। जो अधिकारी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ रहे, उनको सजा भी मिल रही है और विभाग की तरफ से 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। जेल विभाग की ये मुस्तैदी काबिले तारीफ है, पर बड़ा सवाल ये है कि सिक्योरिटी के बावजूद जेलों में मोबाइल फोन और पाबंदी शुदा सामान कैसे पहुंच जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर जेल विभाग को इस सवाल का जवाब जल्द ढूंढना होगा। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।